एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्यूटी टेल्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गर्ल्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आई शेडो का कलेक्शन। सो या फर्स्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मेरे पास कोई भी उतना ज्यादा हाई एंड ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज एज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई परचेज मोस्ट ऑफ देम बाई सेविंग माई ओन पॉकेट मनी। सो आई कांट अफोर्ड टू हैव यू नो हाई एंड ब्रांड्स। सो जो भी है मेरे पास वो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली रेंज में आता है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ, बिकॉज अगर आप कोई भी परचेज करना चाहते हो आई शेडो कम बजट में, सो यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मॉल रिव्यू ऑन ईच पैलेट। एंड गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द पैलेट, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज, मैं फर्स्ट में स्टार्ट करूंगी कम बजट से। सो जो मेरे पास सबसे ज्यादा कम बजट का आई शेडो है वो है 100। सो या वो है ये वाला पैलेट। सो इसके पीछे आपको एक फुल लेंथ मिरर भी मिल जाएगा, जो कि एक अच्छे क्वालिटी का मिरर है। मैंने इसे, ये मेरा फर्स्ट आई शेडो है बाय द वे, और मैंने इसे परचेज किया था न्यू मार्केट से। एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको दो ब्राउ पाउडर में मिल जाएंगे, एक है ब्लैक एक है ब्राउन, और इसका एम आप ये रुपीज 100। और बाकी आपको यहाँ पे जो सिक्स कलर्स मिलेंगे वो सब है शिमरी कलर। आई एम शोइंग यू द स्मजेस। मुझे ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यू कैन सी द कलर्स आर रियली वेरी पिगमेंटेड एंड दे आर टू स्मूथ। ये आपको कोई भी चौकी इफेक्ट नहीं देगा आपके जब आप इसे अप्लाई करोगे। अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो तो ये ट्रस्ट निकल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट पैलेट है वो है ब्लू हेवन का पैलेट। सो ये है ब्लू हेवन का फैशन पैलेट। इसका जो आउटर केस है मैंने उसे फेंक दिया है, सो इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये मेरा सेकेंड आई शेडो है। इसमें से कुछ कलर है मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट पिगमेंटेड। अगर हम इसकी दूसरे कलर की बात करें तो ये आपको ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा। मैंने इसे परचेज किया था 100 रुपीज से, और इसे मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था। यू कैन सी कुछ कुछ कलर, इसमें जो लाइट कलर है उसमें इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एज अ बिगिनर इसे परचेज करना चाहते हो टू लर्न, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। उसके बाद जो मेरा सेकेंड पैलेट है वो है द न्यूड्स पैलेट। सो या आई थिंक मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। एंड या दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट वन। मैंने इसे परचेज किया था करीबन 800 रुपीज का, और मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आई शेडो पैलेट है वो है SFR कलर्स का। यू कैन सी इसमें सब ही वाइब्रेंट कलर और लाइट कलर में आपको कुछ मिल जाएंगे। यू कैन सी ये पैलेट भी अच्छा खासा है, और इसका प्राइस आई थिंक 150 या 130 ऐसा कुछ होगा। यू कैन सी इट्स पिगमेंटेशन। कलर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में मिल जाएगा। इसका जो कोड है, कलर कोड है, वो है 02। इसमें आपको डिफरेंट वैरायटी शेड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। सो या मैंने इसे न्यू मार्केट से परचेज किया था। अरे रोदा का पैलेट। सो यू कैन सी ये एक फोन की तरह दिखता है, और इसमें आपको एक फुल लेंथ मिरर भी मिल जाएगा। और इसमें जो बेसिकली शेड्स है वो सारे हैं शिमर, और ये पर्सनली आई लव। आई एम शोइंग यू द स्मजेस। पर्सनली ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पैलेट है, बिकॉज ऑफ इट्स कलर कॉम्बिनेशंस। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, क्रीमी है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पैलेट है वो भी है हिलारी डोदा का। ओ, और बाय द वे आई हैव परचेज दिस फॉर ₹190, एंड ये भी मैंने न्यू मार्केट से ही परचेज किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पैलेट है वो है, वो भी है हिलारी डोदा का पैलेट। ये मैंने हाथी बागान से खरीदा था। अगर आपने मेरा हाथी बागान का हॉल नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। सो इसमें अभी इसका शेड है 02।
तो यहाँ पे मैंने सारे वाइब्रेंट जो कलर कॉम्बिनेशन है मैंने उसे चूज किया था, लेकिन आपके पास वहाँ पे न्यूड कलर अगर आपको पसंद है तो आपके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है ये सेम पैलेट में, और ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी कोई पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई चौकी इफेक्ट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 शेड मिल जाएंगे शिमर, और जो बाकी है वो सारे हैं मैट। सो यार मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिगमेंटेशन, ये है इसका जो शिमर कलर है वो है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो मैट कलर्स है वो। मैट कलर में मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। ट्रस्ट मी गर्ल्स, अगर आप इस पैलेट को लेते हो तो आप इजीली बहुत ही ज्यादा लुक आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट आई शेडो है वो है एक अनास्थेशिया बेवरी हिल्स का डूप। सो यार मैंने इसे परचेज किया था फिर हाथी बागान से, और इसका प्राइस है ₹120, और यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाएगा। सो इसका जो कॉम्बिनेशन है मैंने उसके लिए इसे परचेस किया है बेसिकली, और यहाँ पे आपको 3 शेड मिल जाएंगे ट्रांजिशन के और बाकी सारे शिमर्स। सो गाइज मेरा जो नेक्स्ट पैलेट है वो है ये मार्स का पैलेट, ये मार्स का है पर्ल आई शेडो पैलेट, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आई गेस 32 शेड्स और इसका 27 कलर्स, और या इसका भी शेड है 02। आई डोंट नो, मैंने इंटेंशनली इसे कोई भी परचेज नहीं किया था, लेकिन नाउ आई वंडर कि मेरे पास जो भी आई शेडो है सब का ईच एंड एवरी वन का शेड है 02। ये कोइंसिडेंटली हो गया है, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसे नहीं लिया है। यू कैन सी इसका कलर है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, और ये भी आपको चौकी इफेक्ट नहीं देगा। The colors I absolutely love, और मैंने इसे हाथी बागान से परचेज किया था, और इसका प्राइस they were asking 400, लेकिन I got it for 180 rupees। और जो मेरा लास्ट आई शेडो है वो है ये एक ग्लिटर आई शेडो जो कि SFR गर्ल्स का है, एंड विच आई एब्सोल्यूटली हेट बिकॉज इसका जो ग्लिटर है वो सिर्फ ऊपर है और अंदर आपको वैसलीन भरा हुआ मिलेगा। ट्रस्ट मी गर्ल्स, वैसलीन है अंदर, कुछ नहीं है। आई एम शोइंग यू, कोई भी पिगमेंटेशन कुछ नथिंग, एकदम नील जीरो है, एकदम अच्छा पैलेट नहीं है। और आई हैव परचेज दिस फ्रॉम न्यू मार्केट फॉर ₹50 or ₹60 आई गेस, लेकिन मुझे ये एकदम ही पसंद नहीं है। So guys, that's it for today's video. I hope that it's helpful to you and you liked it. If it is so, then don't forget to give it a like. और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो और आपको ये सब वीडियो देखना पसंद है, so you can subscribe to my channel. And after subscribing, make sure that you hit the bell icon behind that so that you get notified whenever I upload a new video. See you soon in my next video, guys. Till then, take care. Bye bye.